हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू स्ट्रीम, न्यू मैच, न्यू कस्टम। सत श्री अकाल के एम चो वडक्कम सलाम वालेकुम एवरीवन। जितने बंदे स्ट्रीम देखने आए हो, वेलकम टू द न्यू स्ट्रीम, न्यू मैच। मीरामार वीक के हाफ में आ चुके हैं, मिड वीक आ चुके हैं अपन। एंड इट्स अबाउट राइट नाउ मीरामार, वन ऑफ द बेस्ट मैप ऑफ पबजी मोबाइल। तो रेडियो सब बंदे, आज होने वाली है फाइट। टीम रेडी है, टोटल 90 बंदे थे, दो बंदे मिसिंग आउट। एंड साथ में जो टीम्स आई है आज, टीम इटर्नल्स, टीम जी, टीम आईएनसी, टीम इलिसिट, टीम मास्क, क्या नाम लो, कितने सारे टीम्स हैं, कितने अच्छे से नई नई टीम्स हैं, इमर्जिंग टीम्स हैं। ये प्लेन पाथ, ये फाइट्स, डोंट मिस आउट। उससे पहले नीचे जितने बंदे देखने और स्ट्रीम को, वो लाइक का बटन है ना, प्लीज़ नीला कर दो, उसमें हो जाना चाहिए नीला, जो बार बार ना कहना पड़े, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। प्लेन की पाथ देख सकते हैं हम लोग, फ्रॉम इम्पाला टू लाकवेरिया राइट नाउ। एंड प्लेन पाथ जो है इज ऑलमोस्ट, मैंने प्रेफरेंस देते हुए हॉट ड्रॉप्स को, लॉस लियोनिस, पिकार्डो, एल्पोजो, तब भी थोड़ा दूर है, बट ऑल सब जितने भी लामेन डेटा बोलो, जंकयार्ड बोलो, वहाँ पे एसेंडियर पेट्रोन सैन मार्टिन, इवन लाकवेरिया इज ऑल्सो देयर। टीम मार्क के लिए एंड मार्क बेटी के लिए लाइनअप जंप आउट करते हो, टीम जी भी जंप आउट करते हुए नहीं, बहुत अजीब अजीब चीज़ देखने मिला है टीम जी की तरफ से, प्योर्डो पैलेसियो की तरफ, टीम जी मूविंग विथ मास बेटी के लाइनअप। ये चीज़ कुछ नया ही देखने का आज मिला, महाकालियों की लाइनअप भी वहाँ पे आ रही है, टीम FRS भी वो मूविंग करते हुए, टीम महाकालियो उतरे इम्पाला की तरफ, इम्पाला अकेले सिर्फ टीम महाकालियो जाती है, वो कोई टीम वहाँ पे नहीं गई है। टीम किलर की भी यहाँ पे एक्सपेक्टेड करते हुए, जंकयार्ड की तरफ मूविंग करते हुए, स्प्लिट्स देख सकते हैं हम, कौन कितने बंदे कहाँ का स्प्लिट हो रहे हैं राइट नाउ। टीम 19 जो शायद मेरे ख्याल से क्रूज डे वैले की तरफ मूव इन करते हुए, टीम किलर और टीम 23 साथ साथ, टीम 11 जो उनके ऊपर है, टीम 11 है शायद, यस बूंस की स्क्वाड मूव इन करते हुए एल हज़ार पे, वहाँ पे फाइट देखने मिल सकती है हमें। मास्क की लाइनअप वॉन्टन जो प्लेन के सबसे एंड में जंप आउट किए, शायद रूइंस की तरफ मूव इन कर रहे हैं वो, मास्क की लाइनअप मूविंग टूवर्ड्स मूव इन रूइंस। एंड इलिसिट की लाइनअप मूव इन करते हुए यहाँ पे उनका ड्रॉप पॉइंट एज यूजुअल पिकाडो में, ये वो घूम के आते हैं पिकाडो सुपर 69, यहाँ पे इटर्नल्स की लाइनअप उतरी है इस पॉइंट ऑफ एरिया में राइट, दिस कंपाउंड्स पिकाडो में बसर देखने मिल सकती है हमें राइट नाउ। टीम बॉट की लाइनअप, टीम बॉट राइट नाउ है यार, टीम ड्रैक भी लेफ्ट में उतरते हुए उनके, टीम TPR भी यहाँ पे है, फाइट्स होने वाले हैं। स्कारल विथ हेलमेट वाइस उनको मिल जाएगा, टीपी वायरस के पॉइंट ऑफ दिखाते हैं आपको, जो M24 मीनिंग, क्योंकि ट्रैक्स के ऊपर भी गन्स आ चुके हैं, गन्स आ चुके हैं इनके ऊपर, दे आर इक्विप्ड राइट नाउ। टीम 18 को भी गन्स उठाने पड़ेंगे, इनके भी गन्स आ चुके हैं, टीम 4 की कंडीशन दिखाते हैं, या इन पर भी गन्स है, फाइट्स होने वाली है गाइस। उससे पहले हम INC की लाइनअप दिखाता, जो शॉर्ट शॉर्ट कंपाउंड लूटती है स्प्लिट, एंड शायद वो लूट टेक्नोलॉजी स्ट्राइक करने का कोशिश किया जा रहा है राइट नाउ। टीम RPT डेविल जो ऑफलाइन है, वॉट इज दिस बिहेवियर, राफ्टर्स की लाइनअप इज हेयर राइट नाउ। एंड यहाँ पर टीम 17 या टीम 14 की साइड फाइट्स हो सकती है कोई भी टाइम, यहाँ पे टीम 14 की लाइनअप जस्ट बगल में टीम 17 की लाइनअप है, वहाँ पर दादा जी ने मास्क निको नॉक ऑफ करते हुए, टीम जी रनिंग रैम्पर्ड राइट नाउ अगेन। एंड यू वी कैन सी हेयर वॉट इज बीन गोइंग ऑन, बबीता जी यहाँ पे फुल इक्विप्ड है, एक्सक्यूज मी मास्क चल गया, लोकेशन तो पता चल गया, बट यहाँ पे रिवील होना टीम जी के खिलाफ मेरे सही डिसीजन होगा नहीं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। टीम किलर की यहाँ पे चलते हैं, जहाँ पे किलर जैक की टीम की फाइट हो सकती है, टीम 11 जो उनका टीम बूंस राइट नाउ, नूब्स जॉय, टोनी रोजर्स एंड हाइपर जेपेस ऑन द पॉल की टीम राइट है। अब शायद फ्लेयर मंगाया गया टीममेट के द्वारा, यस टीममेट के द्वारा फ्लेयर मंगाया गया, फ्लेयर में देख सकते हैं M4N DBS है, टीम स्लिम शाड़ी ने मंगाते हुए ऊपर की तरफ चलते हैं। NIP लेवी NIP लाइनअप 2 की फाइट हमें देखने मिल रही है राइट नाउ विद टीम 14, टीम 14 से NIP की फाइट होने वाली है, वहाँ पर NIP के दूसरे बंदे भी जोर के इस पारे अगर चाहे तो यहाँ से इजिली क्लियर ऑफ कर सकते हैं उस बंदे को। एंटोनी
सिक्योरिटी जो क्रॉस करें उनको कुछ अंदाजा नहीं वहाँ पर बंदे टीम 25 के। बहुत वियर्ड डिसीजन देखने मिल रहा है हमें यहाँ एनडीक्यूटी की तरफ से। अगर यहाँ पर स्पॉट इन करते हैं फुल फिनिश कर दिए जाएंगे यहाँ पर। यस साउंड आ चुके हैं एनडीक्यूटी के, बट उनको शॉट गन है दैट्स द इशू। मेरे ख्याल से नहीं चलाना ही बेटर होगा जैसे मैंने कहा था। फाइव बैंडेज है बस हीलिंग की। यस नॉक ऑफ कर दिया गया एंटीक्विटी को स्लेयर के द्वारा। बहुत गलत डिसीजन देखने मिला था यहाँ पे एंटीक्विटी के द्वारा। बहुत गलत टीम फटे अपना मैन लूज करते हो राइट नाउ एंड क्रिएटिंग प्रेशर फॉर देम। टीम नंबर 21 शकुनी को स्पेक्टेट करते हुए हम जो मूव इन कर रहे हैं शायद प्लेयर को देखते हुए मूव इन कर रहे हैं राइट नाउ। टीम एफ एल एस पे यहाँ पर टीम 2 भिड़ सकती है। महाकालियों की सेकंड लाइनअप जो है जस्ट सामने टीम एफ एल एस है वहाँ पे फाइट देखने वहाँ मिल सकती है। एफ आई एस सीजन रोज सेंटा रोज नीली टेबल मांबा टी20 में ऐसा छोड़ने नहीं वाली। एन आई पी लेवी इस जस्ट सामने टीम 14। अभिंजन आ चुके हैं यहाँ पर नेट कुक किया जा रहा है बट तब तक यहाँ पर एन आई पी 6 गॉड्स है नॉक ऑफ कर सकते हैं। पैंगल है मेरे ख्याल से नेट कनेक्ट किया है बट कोई लाभ नहीं। टी एस जी आर यहाँ पर आ चुका है स्लर यहाँ से कवर अप पता वहाँ बंद है उठाना इज पॉसिबल नहीं। यहाँ पर टी एस जी आर वहाँ पर टी वी पे लेकर बैठे हुए हैं गलत फाइट्स होने वाली है वहाँ पर। सिक्स को नॉट करते हुए टी एक्स जी आर जैसा मैंने कहा था लेफ्ट से कवर अप मिल रहा है उनको बट इजिली कंप्लीट ऑफ करेंगे। यहाँ पर एन आई पी लेवी को कंप्लीट ऑफ कर लेवी बचा नहीं पाए सिक्स एक्स गॉड को। एडवांस दीपांजन आ चुके हैं लेवी पे प्रेशर आ चुका है राइट नाउ। क्या ही लेवी यहाँ पे छुपन छुपाई करते हुए टीम के साथ टीम एन आई पी को कॉल दिया होगा हेल्प करने पर एन आई पी लेवी नॉकआउट हो चुके हैं। किधर भी किया गया था फास्ट प्रोसेस देखने मिल रहा है टीम एन आई पी लाइनअप 2 लूजिंग देयर 2 मेंबर्स इन द बिगिनिंग। यहाँ पे फ्लेयर चला है टीम 16 द्वारा शायद लूट भी लिया गया है मेरे ख्याल से शायद नो इनफिनिटी डीपीएस लूटने आया टीम 16 एंड टीम जी स्टिल होल्डिंग। टीम जी के ऊपर मास्क की लाइनअप बबीता जी को लो एचपी करते हुए बहुत अच्छा स्प्रे देखने मिला मास्टर की तरफ से। यहाँ से पापा की परी वहाँ पे आ चुकी है आ चुके हैं क्या बोलना आ चुकी है एक प्यारा सा नेट पापा की परी से नॉक ऑफ कर सकते हैं मास्क कुछ अगर नेट कनेक्ट होता है मॉली कनेक्ट हो गया है एंड इजली नॉक ऑफ हो सकते हैं मास्क कुशाल। क्या ही बचे हैं फोर जिनमें मास्क छोटी को नॉक ऑफ करते हुए मास्क माही इज द लास्ट मैन है राइट नाउ। उफा जी का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाते हैं आपको राइट नाउ दिया पूरा पुशिंग कर दिया क्या माही पे टीम मास्क बेटे कंप्लीट करते हुए टीम जी and they started their campaign again with a bang। यहाँ पर टीम एफ एल एस सीजन को देखने मूव इन करती है फ्लेयर ड्रॉप किया टीम 2 के गोकू टर्न को फ्रीली यहाँ पा चुका है एफ एल एस सीजन स्पॉट इन कर चुके हैं वहाँ पे 1v1 है गोकू रिटर्न वर्सेस एफ एल एस सीजन क्या ही होने वाला है। क्या देख रहे हैं मैं क्या हो रहा है क्या हो रहा है एक्सक्यूज मी कौन सा गेम प्ले मैंने देख रहा हूँ दोनों तरफ से अभी एक्सक्यूज़ मी गाइस हमें दोनों तरफ से कम इजी देखने को मिला है दोनों तरफ से दोनों बंदे ने कि ब्लंडर जो किया कोई भी नॉकआउट हो सकता है सीजन पे ज़्यादा एंगल थे ज़्यादा पॉसिबिलिटी सीजन की तरफ ज़्यादा यहाँ पे ब्लंडर देखने मिला है वो इजली नॉकड ऑफ कर सकते थे उनको आने का इतना मौका एंड स्प्रे जो इश्यूज हुआ दोनों की तरफ से टू मच ब्लंडर एट द मोमेंट राइट नाउ। दो बंदे खो चुके हैं टीम 2 अपनी टीम से अब नॉर्मल ड्रॉप गिरते हुए मंडेटा की तरफ टीम इलिसिट लाख ओवेरे की तरफ मास्क की लाइनअप देखो जोन की किस कौन सी पार्ट में ब्रो आपको समझ सकते हो कितना टाइम लगे हमको जोन मूव करने में। एन आई पी की लाइनअप 1 को स्पेडेट करते हो यहाँ पे हम योर्स इन वॉकर्स योर्स फैजान दे आर ऑलरेडी। हम चलते हैं पिकाडो की ओर एंड टी पी आर की लाइनअप फॉल बैक करते हुए वहाँ से टी बी एस अंजन को स्लेयर ने नॉक ऑफ करते हुए ये फाइट्स हो रही है वहाँ पे टी एस आर को कंप्लीट नॉक ऑफ कर दिया गया। एन आई पी आर्थुर लास्ट मैन हेयर कंप्लीट ऑफ कर दिया गया है वहाँ पे एन आई पी के आखिरी बंदे को ब्लेड डेल्टा की हेल्थ आप देख सकते हैं एंड ब्लेड की लाइन फुल कंप्लीट करते हुए एन आई पी आर्थुर एंड गेटिंग हिज टीम 4 किल्स। रिकॉर्डिंग वाली फाइट में आते हैं बॉट की लाइन है वर्सेस ड्रैग की लाइन है 3v3 सिचुएशन राइट नाउ। अभी बॉट का पॉइंट भी दिखाते हैं यहाँ पे स्कारल विथ नो स्कोप यहाँ पे दिव्यांश ओपी AKM के साथ क्या कमाल दिखा सकते हैं। ड्रैग सी थी यहाँ पे विन 94 से ट्राई आउट करते हुए अभी बॉट के ऊपर
अगर यहाँ से एक नॉक निकालते हैं मेरे ख्याल से तब भी पुश नहीं करेंगे वो, क्योंकि ये जगह कंपाउंड पुश करने लायक नहीं है राइट नाउ। महाकाल को वहाँ पर नॉक ऑफ कर दिया गया है रोशनीस के द्वारा, फ्रिसिजन के द्वारा शायद, इविल मामा ने नॉक ऑफ किया था सॉरी, एंड उनके मेंबर को कंपाउंड ऑफ टीम टू को एलिमिनेट करते हुए एफएलएस की लाइनअप राइट नाउ। डार्क की लाइनअप वाटर ट्रीटमेंट के ग्रेवयार्ड की तरफ लुटते हुए, इटर्नल्स की लाइनअप सैंड मार्टिन की तरफ है। टीम आईएनसी मूविंग टूवर्ड्स टीम थ्री, मेरे ख्याल से मूविंग कर रही है, टीम थ्री से कोलाइड हो सकता है उनका। यस साउंड आ चुकी है उनको टीम थ्री, बिना टोपी को नॉक ऑफ करते हो यहाँ पे केजे निंजा को नॉक ऑफ कर दिया जाएगा। यस बहुत ओपी गेम प्ले देखने मिला यहाँ से, वीएएम केव थ्री पे प्रेशर राइट नाउ, नो रिवाइव नीड टू क्लच, एक प्यारा सा नेट। गोल्डन इमराडो थी इनकी बट बचे नहीं अब। रिवाइव मिल चुका है आईएनसी की तरफ से, शायद थोड़ा सा बैक इन दिखाया गया यहाँ पे, बट अगर पुश ही ना था खत्म तक खेला यहाँ पे। वहां से आईएनसी को नॉक बढ़ी ने बिनोद ओपी को नॉक ऑफ करते हुए, क्रेव वर्सेस वन वी फोर का सिचुएशन वापस आते हुए राइट नाउ। गलत फंस चुके हैं राइट नाउ वीएम एंड क्रेव एंड टीम आईएनसी का लोड अप कर देंगे यहाँ पे टीम को, गेटिंग थ्री किल्स सिक्योर्ड स्लिम शेडी, ज़्यादा दूर नहीं है फाइट से। टीम सिक्स की आप एन आई पी की इलिसिट से फाइट होने देखने मिल सकती है हमें, उनके जस्ट पीछे इलिसिट की लाइनअप मूव इन करते हो व्हीकल के साथ, एंड क्लियर राहुल की एच पी लो बिकॉज व्हीकल से व्हीकल का शायद हेल्थ के कारण हुआ होगा व्हीकल के कारण, एंड उनकी जो वो है क्या बोलते हैं रोटेशन कोलाइड कर सकती है यहाँ पे एनलिसिट वैम्पी का रोटेशन देख सकते हैं हम, कोलाइड कर सकती है एनआईपी की लाइनअप के, इन्होंने स्पॉट इन कर लिया एनआईपी उसको, एंड कॉल शायद आया होगा कि राइट मूव हो अभी फाइट नहीं लेना है हम लोग को, निकलना है जोन में, लो रिज वर्सेस आप इसका फाइट हो सकता है। एनआईपी की लाइन होल्ड इन करते हो राइट नाउ, एंड ये स्टंट इलिसिट करंट की तरफ से देखने मिला है हमें यहाँ पे राइट नाउ। एनआईपी की लाइनअप यहाँ पे होल्ड इन करते हो, मास्क की लाइनअप जोन की कितनी बार है आपको पता है, मास्क वांट एंड टेन बैंडेजेस, क्या ही हो रहा है ब्रो। टीम आर पी डी इज ऑल्सो आउट ऑफ द जोन, दे हैव टू मूव इन, दे डोंट हैव अ व्हीकल, दे नीड टू मूव इन वेरी फास्ट राइट नाउ, वन बगी ओनली। टीम 18 अभी बॉट की लाइनअप वर्सेस ड्रैग की लाइनअप स्टिल होल्डिंग ऑन गाइस, ये एरिया में भसड़ मचने वाली है गाइस, मैं कह रहा हूँ ना एन आई पी इटर्नल्स आर पी टी यहाँ पर भसड़ मचेगी। मास वंडन जोन से नॉकआउट होता है एज आई सेड, नो हीलिंग्स उनके लिए इश्यूज होते हुए। इसी राहुल का मिनी का टैप दिखाना चाहते हैं विथ 2x इलिसिट वैम्पी, इलिसिट राहुल वहाँ पे इन्वोकर पे चलते हैं अपन, इन्वोकर ट्राई आउट कर रहे हैं स्लॉट निकालने का एंगल निकालने का, कर्ण वहाँ से ट्राई आउट कर रहे हैं M4 रेड डॉट, एन आई पी ज्यूज भी आ चुके हैं, फैजान यहाँ पे M4 4x सेट स्प्रे देंगे इलिसिट वैम्पी पे मेरे ख्याल से, बट स्प्रे आ नहीं रहा है यहाँ पे, अब बैकफुट पर देख रही है हमें यहाँ पे टीम एन आई पी राइट नाउ, शायद वेट करिए उनका फर्स्ट मूव के लिए एन आई पी की लाइनअप। यस एन आई पी इतना प्यारा नॉक इलिसिट वैम्पी को करते हुए राइट नाउ, इलिसिट जहाँ कमा पाता है वो इन्वोकर का पूछ ही ना चुका है पहले, बट वहाँ पे कर्ण ने स्पॉट इन कर लिया, इलिसिट कर्ण का वहाँ पर अच्छा एंगल दिखाएंगे, वांटन वहाँ पे डेड हो चुके हैं जोन के बाहर, नो चांस ऑफ मेकिंग रिवाइविंग, मास्क को थोड़ा इतना दूर जाना भारी पड़ते हो राइट नाउ। नेट अच्छा स्पैम किया गया है एक्चुअली, कनेक्ट होता है तो कुछ फ़ायदा हो सकता है, बट अच्छा नेट स्पैम किया गया था। एक सेकंड गाइस, अबे सेटिंग्स का ऑप्शन ही हट गया मेरे मैप के कारण, तो इसको इनवेल करता कोई नहीं। अब वो ड्रोन भी दिखाते हो एन आई पी एस का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाते हैं आपको, लेफ्ट से मूविंग करते हुए लेकिन रेस के ऊपर तरफ से, बट लेकिन वैम्पर एन आई पी ज्यूज को नॉक ऑफ करते हुए यहाँ पे एन आई पी एस पे प्रेशर, राहुल लाइट से प्लैंक इन कर दिए हैं पहले ही, एन आई पी फैलन को स्पॉट इन कर लिया गया है, फैलन को नॉक ऑफ कर सकते थे बट फैलन कवर ऑफ में जा चुके हैं, पर एम फोर का स्प्रे आ रहा है फैलन की तरफ, राउंड बैक
राहुल को यहाँ पर नॉक ऑफ कर दिया गया, इन्वोकर द्वारा इन्वोकर को नॉक ऑफ कर दिया गया है वहाँ पे। यहाँ पे एक नेट से एनआईपी यूएस नॉक ऑफ हो चुके हैं। लास्ट मैन ईयर फैजान इज रे रेस का लेटर हुआ स्प्रे एन एनआईपी की लाइनअप फुल कंप्लीट करते हुए राइट नाउ टीम एनआईपी गॉट एलिमिनेटेड एंड टीम एलिमिनेटेड विद 4 किल्स। टीम इटर्नल्स हम मूव इन कर रही है, उनके जस्ट सामने टीममेट मिलने वाली है उनको एंड वहाँ भी फाइट सामने देखने वाली है। ड्रैग के बंदे अभी भी पिकार्डो में होल्ड इन करते हुए एंड क्या ही हो रहा है। टीम आईएनसी पर टीम 15 के बंदे की फाइट्स हो रही है, जो टीपीआर के इल्डोज एंड टीपीआर की फुल लाइन है जो बच गया ये पिकार्डो से टीम आईएनसी के साथ भिड़ चुकी है। अभी टीम आईएनसी कितना अच्छा रिज होल्ड कर रही है गाइस, रिज देख सकते हो कैन सी दिस रिज। टीम 15 क्वीन लूना को शायद डैमेज पड़ते हुए वहाँ पे टीम जी जोन मूव इन करते हुए एंड उनका जोन रोटेशन शायद कोलाइड कर जाए टीम एफआईएलएस के साथ की रोड वे में जाएंगे, कोलाइड जरूर करेगा एफआईएलएस के साथ। भाई यहाँ ड्रॉप कौन देता है भाई, कुछ भी पबजी कुछ भी। ओह एक और ड्रॉप इधर गाइस, आपको अंदाजा हो गया होगा जोन किधर बनने वाला। अब आरपी डेविल ने नॉक ऑफ करते हुए एक बंदे को एंड हम लोग जल्दी से मूव इन करते हैं आरपीडी के लाइनअप की तरफ। डार्क की लाइनअप से भिड़ चुकी है आरपीडी की लाइनअप। डार्क ज्यूस आखिरी बंदे हैं जो फाइट अवॉइड कर रहे हैं, शायद नई फाइट लेने आ रहे हैं। डार्क ज्यूस आए हैं फाइट लेने आरपीडी दर्स आरपीडी की लाइनअप रैप्टर्स की लाइनअप वर्सेस डार्क की लाइनअप राइट नाउ। आरपीडी डेविल का फ्लैंक हमें बहुत अच्छा फ्लैंक देखने मिल रहा है यहाँ पे, अगर इजिली डार्क ज्यूस को स्पॉट इन कर सकते हैं वो एंड टीम डार्क को फुल कंप्लीट करेंगे आरपीडी विद 4 किल्स। टीम रैप्टर्स कमिंग अप स्ट्रांग राइट नाउ। और फुफा जी ग्रीन निंजा को नॉक फिनिश करते हुए जी भिड़ चुकी है टीम 21 के साथ फिर से। टीपीआर वायरस को आईएनसी गोनाकवाड़ी नॉकआउट कर चुकी है, आईएनसी गोनाकवाड़ी नॉकआउट हो चुके हैं वहाँ पे। गोनाकवाड़ी फुल फिनिश कर दिए गए क्वीन लूना के द्वारा एंड यहाँ पे शकुनी का पॉइंट ऑफ व्यू आपको दिखाता है राइट नाउ। इस फाइट को कवर अप करते हैं अभी, इस फाइट को ज़्यादा कवरेज दिया जाता है। आईएनसी स्टार बॉय यहाँ पुशिंग कर चुके हैं गोनाकवाड़ी को बचाने के चक्कर एंड सबकी लो एच पी देखने मिल रही है। टीपीआई के सारे बंदे की लो एच पी, टीपीआई एरेक्स को छोड़ के एंड हाथ में है ग्रोजा। कौन नहीं होना शायद इनको फर्स्ट एड नहीं है बंडेज यहाँ पर मारते हुए एंड आईएनसी के सारे बंदे यहाँ एंट्री ऑन कर चुके हैं। ये नेट कनेक्ट होता है दो बंदे नॉक ऑफ हो सकते हैं यहाँ पे, अगर कनेक्ट हुआ टीपीआई वायरस भी नॉक ऑफ हो सकते हैं। क्या कंप्लीट ऑफ हो चुके हैं, कुन लूना भी कंप्लीट ऑफ हो चुके हैं जेडएस के द्वारा एंड टीपीआर के बंदे इज इन डेंजर राइट नाउ। एनसी चावा के लो हेल्थ हम देख सकते हैं यहाँ पे, शकुनी को अपने नॉक ऑफ कर दिया गया जी के द्वारा। एनसी जोडेक्स दूर से एसएलआर से कवर अप देते हुए यहाँ पे अपने टीम का एनसी के बंदे को। ड्रैक को एग्रर को मास्क मामा नॉक ऑफ करते हुए मास्क की फाइट शो ऑफ करते हैं हम यहाँ पे। रंगबास को पापा की परी ने नॉक ऑफ किया है वहाँ पे एंड नाला पे लास्ट प्रेशर राइट नाउ। नेट कनेक्ट किया जा रहा है, ये नेट बहुत ही अच्छा है, हबीबी को नॉक ऑफ करेगा। बहुत ओपी नेट देखने मिला है नल्ला की तरफ से। एक और नेट का तैयारी हो तो रहा है बट मामा ये नेट अगर कनेक्ट करते हैं मामा भी नॉक ऑफ होंगे मेरे ख्याल से। नेट कनेक्ट होना चाहिए, एक नेट वैसा ही, एक और नेट वैसा होना ही चाहिए। मास मामा की आप हेल्थ देख सकते हैं हम, नल्ला का पुशिंग आ चुका है, मामा भी नॉक ऑफ हो चुके हैं, फुल फिनिश किया जाएगा नल्ला का। बहुत अच्छा क्लच देखने मिल रहा है, क्लच कर लेंगे तो वाइपर को इजीली ले जा सकते हैं नल्ला। यहाँ पे टीम मास्क को फुल फिनिश करते हुए डार्क साइड का किल यहाँ पे उठाया जा रहा है टीम एलिसियर के द्वारा। नला इज द लास्ट मैन हियर, टीम नला डूइंग 1v3 राइट नाउ, यू हैव टू एडमिट दिस गाय, कुछ खेला इस बंदे ने। राहुल मूव इन कर चुका है, इसे राहुल अंदर मूव इन करते हुए एंड नला कंप्लीट ऑफ कर दिया गया एलिसियर बम्पी के द्वारा। यहाँ पे जी स्टिल सर्चिंग फॉर द लास्ट मेंबर ऑफ T21 जो यहाँ पे होल्ड ऑन करके ऑनिक स्टॉर्म, उनको पता है अभी अंदर एंट्री करना सही नहीं है अंदर। टीम कुछ जो फॉर्म में है कंटिन्यू रिसेंट डेज से, उनके सामने जाना अकेले वोंट बी द राइट चॉइस। टीम एनआईपी टीम बूंस के बंदों के साथ कोलाइडेशन हो सकता है, आर्थुर यहाँ पे जो बैठे हुए अकेले। नूप जॉय को इसलिए जाएंगे आर्थुर एनआईपी, आर्थुर नूप जॉय को फुल फिनिश करते हुए, नूप 17 जॉय को फुल फिनिश कर दिया गया। उनके बाकी तीन बंदे आ चुके हैं एनआईपी के लाइनअप 2, एनआईपी आर्थुर प्लेइंग ओपी। सो इन द पोल पॉइंट में दिखाता हूं, ईटी हेला को आरपीटी डस नॉक ऑफ करते हुए, ईटी संडे को नॉक ऑफ कर देगा। आरपीटी की टीम ईटी को मजा, मतलब
घूम करते हो राइट नाउ। आरपीटी प्रोफेसर को रॉकी भाई अपना गेम प्ले दिखाते हो, क्यू और रॉकी भाई नाम है उनका। आरपीटी डेविल को भी नॉक ऑफ कर सकते हैं, इजली नॉक ऑफ कर दिया गया। रॉकी भाई अकेले क्लच कर लेंगे, उनके लिए कुछ जरूरत नहीं। आरपीटी स्नैच को भी इजली ले जा सकते हैं, यस ले जा सकते हैं, नहीं ले जा गए हैं। आरपीटी डर्स लास्ट मैन स्टैंडिंग थे। एडी संडे कंप्लीट ऑफ करने कॉल था। रॉकी भाई इज इनफ, रॉकी भाई इज अलोन इनफ फॉर अ टीम। उन्होंने इतना प्यारा सा गेम प्ले हमें यहाँ दिखाया एंड एंजॉय, क्या ही बोले। ड्रॉप लूटिंग टीम 16 आई है शायद मेरे ख्याल से, वहाँ को लियो की लाइनअप। यस डीबीएस टीम टॉनी ने शायद यहाँ कंप्लीट ऑफ कर दिया एनआईपी आर्थर को मेरे ख्याल से। यस एनआईपी आर्थर को कंप्लीट ऑफ करते हुए यहाँ पर टीम बोन्स। ट्वेल्थ 30 टीम्स अलाइव है, 42 देख सकते हो, इतना छोटा सा 42। सोच सकते हो भाई लोग कैसे लैग हो रहा होगा, बंदे लोग के फोन फट चुके होंगे। सो लेट्स सी एबी टीम 25 की फाइट अभी भी होल्ड ऑन है आईएनसी की टीआर के टीपीआर के अगेंस्ट। एफपीपी मोड का फायदा उठाया जा रहा है यहाँ पे। पंच अनस्ट्राई तो कर रहे हैं, कोई एंगल कैसे ही दिखा है, एक गलती एंड भारी पड़ सकते हैं। टीपीआर एक्सो इज इन प्रेशर, एंड क्या ही नॉक हुआ, गेट बंद हो गया बेचारे को मारते हुए। हद है हद है, सॉरी हद डिसिंग था ब्रो। ये टीम 18 मूव इन कर चुकी है जोन के अंदर एंड देयर उनके सामने दादाजी मूव इन करते हुए जोन मैनेटा। टीम ओनिक स्टॉर्म अपने टीम से आखिरी बंदे हैं, टीम 21 से होल्ड ऑन करते हुए जब तक होल्ड कर सके। टीम मेटेरियल्स भी अभी बची हो, टीम 8 की शायद स्लिम शैडी में से टीम किलर होने से हो सकती है कोई भी टाइम। किलर रजत साथ फाइट होने वाली है शैडी शाफ्टों की। ये ओपन नहीं है क्या? अच्छा हाँ वही मैं सोचू। यहाँ पे किलर जैक को नॉक ऑफ करते हुए शैडी शूटर, शैडी शूटर का एंगल बहुत ही सही, यहाँ पे कंप्लीट ऑफ भी कर सकता है अगर चाहे तो ईजिली, बट कवर में जा चुके हैं वो। क्लियर रजत को भी नॉक ऑफ करते, क्लियर का हाफ एच पी छोड़ा गया वहाँ पे, हाफ से भी कम। जोन टीम 19 को प्रेफर देते वो राइट नाउ, एलाइट की लाइनअप को फुल प्रेफरेंस मिला है जोन का, टीम आईएनसी को भी। सैडिस शाफ्टों का एंगल हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, M16 सिंगल टैप नीचे से 4x के साथ बहुत टॉक्सिक। अच्छा किसके ऊपर चढ़ जाओ, कौन चढ़ रहा है अंदर रूम है, एक रूम में बैठ सकते हैं रूम। वहाँ पे आईएनसी साइड में आईएनसी का चल रहा है, आईएनसी कर रहा है ऊपर तो जाना इसके। आईएनसी आईएनसी व्हाट इज दिस बिहेवियर ब्रो, मेरे को ऑल का नहीं गाना बोल रहा है क्या ब्रो? बा 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 ऐसे को जा। ओके टिप्स एंड ट्रिक्स फेल्ड, बस 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 थैंक्स फॉर द टिप्स एंड ट्रिक्स, इतना काफी था आज के लिए। अब टीम एफ इसके सामने गाड़ी खड़ी है भाई साहब, टीम एफएलएस यहाँ पे ओपन में पता नहीं क्या ही क्या एंगल बनाते हैं। तो बोलता हूँ आशीष भाई घर के ऊपर कर दो ना यार, आपके पास एटेक्स है ना भाई, एटेक्स वाले सर 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 सॉरी सर, व्हाट इज दिस बिहेवियर सर, वी डोंट वांट टू हियर यू सर। नहीं नहीं रूम है उसके अंदर चढ़ने के लिए, आशीष वाले ऊपर चढ़ो हमें बताता हूं आपको चढ़ो कहीं से फ्लेयर ड्रॉप होगा कि, बट यस स्प्रे आता हुआ देवता के ऊपर टीम 11 का नूब की लाइन एविल मामा को फोकस नॉकआउट करते हुए, टीम बूंस का यहां पे स्प्रे आता हुआ गंदा लो एचपी करते हुए। गाइस सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन, क्या ही कर सकते हैं यहां पे। पिछले टीम 18 में जाते हो, दिव्यांश भी वहाँ रुक चुके हैं ब्रो, भाई शांत हो लो ब्रो शांत हो लो, व्हाट इज दिस बिहेवियर, बस बस मेरा मार खेलोगे तो तुम लोग बाहर को दो ना पीछे, बाहर को दो पीछे, बाहर पीछे को दो बाहर पर। टीम बूस्ट को कंप्लीट ऑफ करते हुए फुल टीम अभी की लाइनअप फुल कंप्लीट हो चुकी है। क्या बोलूं मैं आपको, क्या ही टिप्स एंड ट्रिक्स करोगे तो तुम लोग, वही तो क्या टिप्स एंड ट्रिक्स करोगे, व्हाट इज दिस बिहेवियर आईएनसी, गाना सिखा रहा है आपको।
सुपर 69 को आप थॉक को बुलेट नॉकआउट करते हैं। माखले के बंदे की लाइक कंडीशन देख सकते हैं आप अभी राइट नाउ। टीम इलिसिट का जो जोन मूव इन हो रहा है, टीम जी से टकरा सकते हैं अभी राइट नाउ। छोड़ देता यार, मारना टीम जी वर्सेस टीम इलिसिट राइट नाउ। कोई नहीं ब्रो, शांत हो लो, शांत हो लो, चिल 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 चिल, कोई ना। देवता शिफ्ट शायद माकोली के लाइनअप को देवता शिफ्ट को व्हीकल ब्लास्ट से उड़ा लिया गया असम से। भाई सरंग बॉट पे आते हैं अपन, सरंग बॉट नॉकडाउन फोर्स का जोन के बाद इसे राहुल को दादाजी नॉकआउट करते हुए माकोली के लाइनअप फुल फिनिश कर दिया गया यहाँ पे। एंड वहाँ पे आई एन सी की टीम की तरफ दिखाते हैं या दिव्यांश के ऊपर स्प्रे मारने की ट्राई किया जा रहा है बट बहुत मार दिया आशीष भाई। इसे ड्रेस को दादाजी ने नॉकआउट कर दिया है वहाँ पे। टीम एलिसिट पे प्रेशर है, राहुल को रिवाइव मिल चुका है, रेस को रिवाइव दिया जाएगा बट जोन गलत आ रहा है वहां पे स्प्रे। इसी रेस को जल्दी रिवाइव दिया गया है वहां पे। फूफा जी का पॉइंट ऑफ व्यू दिखा दे, M24 के साथ चला रहे हैं वहां पे। बबीता जी विद M4 ब्रो, थोड़ा सा तो अब रुक लो ब्रो, थोड़ा सा तो रुक लो। किलर की लाइन अब पीछे आ चुकी है उनके, किलर की लाइन अब सामने बैठी हुई है। टीम इलिसिट गलत फंस चुकी है राइट नाउ, पीछे से सामने से हर तरफ से इलिसिट फंसी हुई है, उनको निकलना पड़ेगा। बबीता जी ने फ्री की सीरीज को नॉक ऑफ करते हुए टीम किलर थर्ड पार्टी करने आई, खुद थर्ड पार्टी होती है। 80 संडे वहाँ पे एक और चोको बुलेट को नॉक को कन्फर्म करते, किलर जाए आस्ते से मूविंग करते हुए। ये नेड अगर कनेक्ट होता है तो रैम्पी से नॉक ऑफ हो सकते हैं। इलिसिट रैम्पी को नॉक ऑफ करते हुए किलर जाए, बहुत ही प्यारा नेट था। दादाजी वहाँ थंड नॉकआउट करते हुए इलिसिट राहुल को, इलिसिट रेस को दादाजी नॉकआउट कर दिया। टीम इलिसिट राइट इन डेंजर, करंट लास्ट मैन है। बहुत गलत जी ने अटकाया है टीम इलिसिट का, ऊपर से टीम किलर ने अटकाया है। INC स्टार पर दिव्यांश शोपी को नॉकआउट करते हुए शॉट पड़ा है वहाँ पे, तगड़ा वाला कान हिट का, पता नहीं किसने दिया, तगड़ा वाला दिया उनको। शायद रजत का शॉट था मेरे ख्याल से वहाँ पे। किलर की टीम ने पुश इन कर दी है टीम इलिसिट पे। लेफ्ट से पड़ेगी, लेफ्ट से पड़ेगी, लेफ्ट से पड़ेगी, लेफ्ट से पड़ेगी, लेफ्ट से पड़ेगी। किलर जय का टॉक्सिक गेम प्ले देखने मिला था यहाँ पे बट इलिसिट रैम्पी पहले थे नॉक ऑफ कर दिया। फ्री की शेयर्स लास्ट मैन है, इलिसिट रैम्पी को वहाँ पे फ्री की शेयर्स का नेट से नॉक ऑफ हो चुके हैं, जोन डैमेज देगा। They are moving towards zone right now. And team killer शायद bleed out होने वाली है full finish. DD seed zone entry कर चुके हैं। Team illicit versus बबीता जी चल रहा है। And illicit current को पापा के पड़े knock off करते हुए and vehicle blast से illicit राहुल knock off हो चुके हैं। क्या ही हो रहा है? टीम जी का बहुत अच्छी ओपी कवर देखने मिला राइट नाउ। यहाँ पे नेट स्पैम किया जा रहा है पापा की तरफ से, रोज अंडर नॉक ऑफ हो सकते हैं एंटीटा कनेक्ट हुआ तो। नॉकड ऑफ होंगे, होंगे नॉकड ऑफ होंगे, यस नॉक ऑफ होंगे। आईएनसी की लाइनअप शायद और नॉक ऑफ हो चुकी है यहाँ पे। एंड FLS पे इशू है, पापा की परिकार को नॉक ऑफ करते इविल मामा, इविल मामा को नॉक ऑफ कर दिया गया है दूर से बबीता जी के द्वारा। बबीता जी यहाँ पे तगड़ा वाला दूर का रोग गेम प्ले दिखाते हो, दादाजी यहाँ पे लास्ट मैन है, ऊपर जी भी है पर रिवाइव दिया जा रहा है उनकी तरफ से। नेट बहुत ही प्यारा नेट कनेक्ट किया है, कनेक्ट होगा दादाजी नॉक ऑफ हो सकते हैं। हाफ HP बहुत प्यारा नेट था, बहुत प्यारा नेट था। अच्छा नेट वहाँ पे टीम FLS गिव अप नहीं करते हुए अपने लिए, बबीता जी वहाँ पे एंगल बनाने की कोशिश करें, ऑर्म उठाया गया यहाँ पे। टीम ATB अभी होल्ड ऑन करते हुए, टीम अभी एक बॉट जो लास्ट में आपने सर्वाइवर टीम टीम किल्स 10 अभी एक बॉट किल्स दिखाते हैं आपको। टीम नंबर टीम उनकी किल्स अभी राइट नाउ भाई दिखा दो बे, 4 किल्स के साथ एंड कंप्लीट ऑफ करते हुए स्वास्तिक। स्वास्तिक का अच्छा गेम प्ले देखने मिला दादाजी की लाइनअप जस्ट, और प्यारा नेट इविल मामा का फूफा जी को नॉक ऑफ करते हो, दादाजी का HP देख सकते हैं हम, बहुत प्यारा नेट था। FLS दे आर नॉट गिविंग अप, दे आर नॉट गिविंग अप। टीम जी को प्रेशर आउट करते हुए पापा की परी को था, टीम जी को फुल फिनिश करते हुए यहाँ पे टीम 19 के बंदे टीम जी को कंप्लीट ऑफ कर दिया गया। इटरल्स यहाँ पे टीम FLS को कंप्लीट ऑफ कर सकती है। बहुत गलत, बहुत बहुत गलत, बहुत गलत मिनट का मिनी टैप चला रहे हैं यहाँ पे सुपर 69 ब्रो, मैं आवाज़ सुन के बोल सकता हूँ। बाप रे बाप,
सुपर 16 का गेम प्ले हमको देखना है यहाँ पे। कल 3 टीम्स अलाइव है, ड्रोन भी वो चलते हैं। अलाइट शुभम पे यहाँ पे एंगल है, एंड अलाइट शुभम पे एंगल था बट इविल मामा भी वहाँ पे एंगल स्पॉट इन पहले कर लिया। एक इधर है, इधर उधर एमओ कलेक्ट हुए, इश्यूज हो सकते हैं। रोशनी जोन के बाहर है, उनको पता है जोन मूविंग करना होगा। अच्छा कवर अप मिल रहा है वहाँ से, एटी के बंदे भी जोन के बाहर है, जोन इन पे ही है। राइट शुभम का अगर नॉक ऑफ करते हैं तो कुछ बात बन सकते हैं टीम के लिए, बट ही इज इन कवर राइट नाउ। एटी को मूव इन करना होगा जोन, टीम 19 या टीम 12 से होके बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए राइट नाउ। 3v2 का सिचुएशन राइट नाउ। ऊपर से MK14 चलता हुआ स्वास्तिक की तरफ से, एंड लोएस्ट भी करते हुए ये बंदा कुछ खेल रहा है। स्वास्तिक विथ 3 किल्स एंड 80 संडे को नॉकआउट करते हुए भी मामा मिनी से टीम FLS का गेम प्ले बहुत अच्छा देखने मिल रहा है अभी एट द एंड ऑफ दिस मैच। स्टार्टिंग से उतना नहीं परफॉर्म कर पाए, एंड आते आते क्या ही तगड़ा गेम प्ले किया है FLS ने यहाँ पे। एलाइट स्वास्तिक को सुपर 16 ने नॉकआउट करते हुए रिटर्न रिबाउंड में, एंड टीम 19 को ये बात देना पड़ेगा डेथ विलर्स को। टीम FLS को जोन एंट्री करना की जरूरत थी नहीं, बट यहाँ पे रॉकी बनना इशू क्रिएट करते हुए रोज नहीं, इसको जाके रिवाइव करना पड़ेगा उनको। रिवाइव मिल रहा है यहाँ पे रोज नहीं की तरफ से, एंड टीम 12 आ चुकी है। शायद पुशिन का कॉल आया यहाँ पे, यस पुशिन किया जा रहा है यहाँ सोमयन XD के द्वारा, बट ये पुशिन भारी पड़ा है उन पर, फ्री किल्स सामने रोज नहीं के लिए, बट इविल मामा फ्री किल के चक्कर में नॉकआउट होते हुए। रोज नीज पे प्रेशर, टीम 19 को तहस मैस करते हुए ET के लाइनअप राइट नाउ। सुपर 16 का ओपी कवर अप देखने मिल रहा है यहाँ पे, और हेलमेट यहाँ पे ऑलमोस्ट नॉकआउट करते हुए यहाँ पे क्या ही गेम प्ले देखने मिला है। सुपर 16 डेड बट जोन से जा चुके हैं। इट इज संडे का प्यारा सा नेड है, बट रिबाउंड खा चुका है कनेक्ट स्नो सिंह को, स्वास्तिक नॉक ऑफ कर चुके हैं। मामबाई लास्ट मैन हेयर, सुपर 16 ने टीम उन पे प्रेशर आउट करते हुए यहाँ पे ये प्यारा सा नेड मामबा के जस्ट सामने, बड़े नेड से कुछ डैमेज नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। यस 1v3 का सिचुएशन राइट नाउ। FLS के बंदे, FLS की इविल मामबा वर्सेस इट इज संडे, बहुत अच्छा मॉली, बहुत प्यारा मॉली, बहुत प्यारा मॉली, एंड द एंड टीम इंटरनल्स गेटिंग अ चिकन डिनर विथ 14 किल्स, एंड टीम रॉकी भाई का जो क्लच था कोई भूल नहीं सकता। रॉकी भाई इज अलोन इनाफ फॉर दिन। FLS का जो मैच वहाँ पे देखने में टीम जी को पर भारी पड़ते हुए, एक्चुअली मानते उसको थर्ड पार्टी को, बट टीम जी पे भारी पड़ना FLS के लिए बहुत ओपी गेम प्ले दिखाया गया FLS की तरफ से वहाँ पे। टीम एलाइट स्वास्तिक की लाइनअप, एलाइट स्वास्तिक ने अपना गेम प्ले शो ऑफ करते हुए बहुत अच्छा गेम प्ले दिखाते हुए यहाँ पे। टीम स्लिम शाड़ी जल्दी नॉकआउट होते हैं, कुछ ज़्यादा किल्स का इफेक्ट नहीं करते। एलिसिट की लाइनअप भी ज़्यादा कुछ करसी की लाइनअप किल्स उठाई, बट कैन गेट टू टॉप 3 राइट नाउ। टीम मून जल्दी नॉकआउट होते हैं, एलिमिनेटेड होते हुए। टीम मास जल्दी एलिमिनेटेड होते हुए 110 का वो जोन के बारे में। NIP की लाइनअप तो ऑल ओवर कुछ कुछ टीम सीज कुछ छाई हुई थी पूरे मैच में, बट मज़ा सबको आया। सो गाइस स्ट्रीम अगर पसंद आई हो तो स्ट्रीम को प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। तब तक के लिए टाटा, सी यू, गुड नाइट, कल मिलता है फिर से।